लिए। दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, चश्मा उतारो, चश्मा उतार लो और जाओ फटाफट। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, नीचे खड़े हो जाओ यार। आधे भैया चश्मा उतार लो। लो यार भाई साहब, एक मिनट। जयंती है 129वीं जयंती। इस 129वीं जयंती पर मैं बाबा साहब के संस्कारों को नमन करता हूं, और बाबा साहब के संस्कारों में ये कहा गया है कि पढ़ना सिर्फ एक नौकरी तक ही सीमित नहीं है, पढ़ना वो है जो दूसरों को भी पढ़ा सके एवं दूसरों को बता सके कि हमारे देश का संविधान और हमारे देश की संस्कृति क्या है। बाबा साहब के विचार थे कि वो जाति विशेष इन सब चीज़ों से ऊपर एक व्यक्ति विशेष की बात करें, जहाँ व्यक्ति विशेष के गुणों को प्राथमिकता मिले। व्यक्ति विशेष जब पढ़ेगा लिखेगा जभी देश बनेगा। पुराने प्राचीन काल में जब जातिगत भेदभावों को मिटाकर आप एक दूसरे से भेदभाव की बातें होती थी, उन समय में बाबा साहब ने अपने ज्ञान से लोगों में संचार फैलाया, लोगों को जागरूक किया। आज बाबा साहब के नीतियों और बाबा साहब के ज्ञान से पूरा देश सुसज्जित है। हमारे संविधान में बाबा साहब की बहुत बड़ी कीमत है। हम बाबा साहब के आचार विचारों को नमन करते हैं, और मैं संपूर्ण देशवासियों को इस कोरोना की महामारी में फैले हुए मैं मैसेज देना चाहता हूं कि बाबा साहब यही कहना चाहेंगे कि इस टाइम कोरोना से लड़ने के लिए हमारे देश के सब लोगों को जागरूक होना चाहिए, और जो चीज़ें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उन चीज़ों का आदर करते हुए उनका पालन करें। जय भीम। मैं पवन कुमार मीणा।